इस वीडियो में बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, इसके बहुत से फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, हम सब कुछ देखेंगे। पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेजेस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होती है इसमें। प्रैक्टिस क्या मतलब कि आपको कुछ ऐसे कोर्सेज की प्रैक्टिकली चीज़ों को करवाया जाता है जिनके आपकी अगली लाइफ में, यानी आपकी डेली लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होती है। अब वोकेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं? वोकेशनल कोर्सेज एक्चुअली शॉर्ट कोर्सेज होती हैं जो आपने लिमिटेड टाइम स्पेन में आप वो हासिल कर सकते हैं। अब वो कोर्सेज किसी तरह के भी हो सकते हैं, लाइक वो हो सकते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स हो सकता है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो सकती है, आपको बिजनेस एटिकेट्स बताए जाते हैं, और इसमें ना आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है कि आपको ऐसी ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कि आपने किताबों से हटकर होती हैं। आप फॉर्मल एजुकेशन जब हासिल करते हैं तो आप किताबों तक बाउंड होकर रह चुके होते हैं कि आपने जो सीखा है किताब से सीखा और उसको आपने एग्ज़ाम देके कर लिया। लेकिन जब आप नॉन फॉर्मल कोर्सेज में आएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। सेकेंड थिंग, नेचुरली ग्रोइंग माइंड्स दैट डू नॉट वेट फॉर द सिस्टम टू अमेंड। अब इसमें आपके माइंड्स जो हैं वो नेचुरली ग्रो कर रहे होते हैं, न्यू चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और किसी सिस्टम पे या किसी किताबों पर रिलाई नहीं कर रहे होते आपको। लिटरेसी विद स्किलफुलनेस ग्रोथ इन विच सेल्फ लर्निंग इज़ अप्रिशिएटेड, यानी आपको खुद भी जो चीज़ें लर्न कर रहे हैं आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट फील करेंगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, इन्हेंस किया जाएगा। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं होती है, आपने इस एज में ये चीज़ें हासिल करनी है, या जैसे हमारी फॉर्मल एजुकेशन बेस करती है एज पे कि आप मोस्टली 16-15 में अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लेते हैं, आपने 18 तक अपना FSC कंप्लीट करनी है, या 22-21 तक आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इवन कोई 35 या 40 एज प्लस जो है वो कोई कोर्स हासिल करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है तो वो जा सकते हैं, उस पर कुछ भी बाउंड नहीं किया जाएगा कि आप इतने बड़े हो के यहाँ पर आ गए हैं, ये पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस हाउसवाइफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो हासिल कर रही होती हैं, और करिकुलम होता है, टाइम होता है, और ये एक ओपन एंडेड एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सारे इन्वॉल्व हैं, यानी ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कोर्सेज चलते रहते हैं, और इसमें ना ही ऐसा कोई ज़रूरी होता है कि आपका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा और उसके बाद आपको कोई डिग्री दी जाएगी या सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या आपकी अपनी फ्री विल है ना, आपने कुछ भी सीखना है, कोई आपके पास टैलेंट आ रहा है, कोई स्किल आ रहा है, तो वो आप जाके उसको सीख रहे हैं। तो बहुत से फ़ायदे हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और इसके साथ ही हम ना इसका ये जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन की जो सीरीज़ चल रही थी उसको हम क्लोज कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।